क्या आपको पता है इन्फैटुएटेड विद क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए इन्फैटुएटेड विद। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे अक्सर हमें डेली लाइफ में बोलना पड़ता है। तो आइए सीखें इन्फैटुएटेड विद क्या है। इफ यू आर इन्फैटुएटेड विद अ थिंग अ पर्सन, यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव और पैशन फॉर देम। यानी अगर आप किसी इंसान या किसी चीज के लिए इन्फैटुएटेड हैं, इसका मतलब आप उसके दीवाने हैं। कहने का मतलब है इन्फैटुएटेड विद का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो किसी चीज का दीवाना हो जाना या किसी चीज का आशिक हो जाना। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो मैं आपकी टीचिंग का दीवाना हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन्फैटुएटेड विद योर टीचिंग, यानी मैं आपकी टीचिंग का दीवाना हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप इजारम या वॉजवर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप लिखेंगे इजारम, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप वॉजवर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इन्फैटुएटेड विद, उसके बाद आप लिखेंगे कोई नाउन या ज़ेरन। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये बात आसानी से समझ में आ सके। मैं उसका दीवाना हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन्फैटुएटेड विद हर, यानी मैं उसका दीवाना हूँ। वह पबजी का दीवाना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज इन्फैटुएटेड विद पबजी, यानी वह पबजी का दीवाना है। वह ऋतिक की दीवानी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इज इन्फैटुएटेड विद ऋतिक, यानी वह ऋतिक की दीवानी है। मेरा दोस्त क्रिकेट का दीवाना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई फ्रेंड इज इन्फैटुएटेड विद क्रिकेट, मैं म्यूजिक का दीवाना हूँ। आई एम इन्फैटुएटेड विद म्यूजिक, यानी मैं म्यूजिक का दीवाना हूँ। मैं आपकी अदाओं का दीवाना हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम इन्फैटुएटेड विद योर स्टाइल्स, यानी मैं आपकी अदाओं का दीवाना हूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा कि इन्फैटुएटेड विद का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो कि कोई इंसान किसी चीज का या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का दीवाना है। अगर वाकई आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए